जिन्ना चिर ये मंडियां दी समस्या जिहड़ी हल नहीं हुंदी, चाहे वह माल लाउण दी है चाहे माल खरीदण दी है, जिन्ना चिर वह समस्या हल नहीं हुंदी उन्ना चिर धरना उत्थे चलता रहूगा। गलबात दे राही मसले हल हुंदे ने, जेकर तुसीं उन्हां दा मंडियां चाहना ही बंद कर दोगे, कोई गलबात ही नहीं होगी, फिर किवें हो जाणगे मसले। उन्होंने अज 3 बजे का टाइम दिता से, अज तक कोई उन्होंने मैसेज नहीं आया कोई भी। 18 तारीख तो पहला हो जाता है मसला हल, तो फिर वापस बिल्कुल भी नहीं। फिर सानू की लोड है प्रोटेस्ट करने, आपां करना जेकर मसले हल नहीं होंगे। झोने की फसल मंडिया के आई हुई है, जिसनों लेके खरीद जी नहीं हो रही, तो किसान काफ़ी खज्जल खुआर हो रहे हैं। इसे लैके संयुक्त किसान मोर्चे के वालों अज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, एक बड़ा फैसला किया गया कि कुछ जी मीटिंग गलबात करा साढ़े नाल किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर ने। शादीपुर साहब की कुछ मीटिंग खास रहा? धन्यवाद थोड़ा पहला तो। बाकी मीटिंग के अंदर जो फैसले हुए ने, असी 11 तारीख में मीटिंग की रख्या सीगा भई असी 3 घंटे बंद करांगे पंजाब। वो कल पंजाब बंद किया, फिर उत्ते रिव्यू होया अज भी किवें रहा सारा, बहुत ठीक रहा कल। हुण अज 14 तारीक का जिहड़ा सी प्रोग्राम साडा मीटिंग का, वो यही सीगा भी जेकर सरकार कोई हिलजुल नहीं करती, मसले अपने उलझे हुए जिहड़े ने उन्हां नूं नहीं नबेड़दी, तां फिर कोई सख्त एक्शन लिया जा सकदा। उहदे विच असीं हुण फिर 18 तारीक तक तां बूटां बट्टां दा वी चली जांदा, ये बहुत औखा काम भी। 18 तारीक नूं मुख्यमंत्री भगवंत मान दी जिहड़ी कोठी है उहदे अगे धरना लाया, जो अणमिथे समय दे लई ना धरना लगेगा जी उत्थे। जिन्ना चिर ये मंडियां दी समस्या जिहड़ी हल नहीं हुंदी, चाहे वह माल लाउण दी है चाहे माल खरीदण दी है, जिन्ना चिर वह समस्या हल नहीं हुंदी उन्ना चिर धरना उत्थे चलता रहूगा मुख्यमंत्री दे। ते दूजा फैसला यह आ कि जिहड़े इन्हां दे मंत्री ने जां MLA ने, वह जे मंडियां चाहुंदे ने तां उन्हां नूं काले झंडे जिहड़े ने वह विखाए जाणगे, उन्हां दा जानी मंडिया चाहुण ते विरोध किया जाऊगा कि तुसीं कर कुछ भी नहीं रहे, तो मंडियां लैण की आउंदे हो ना, भी मंडियां दी समस्या तां हल नहीं हो रही। ते एक बिट्टू आ, मैं तुहानूं रोकना चाहूंगी, गलबात दे राही मसले हल हुंदे ने, जेकर तुसीं उन्हां दा मंडियां चाहना ही बंद कर दोगे, कोई गलबात ही नहीं होगी, फिर किवें हो जाणगे मसले हल? नहीं मसले हल हुण आपां इत्थे बैठे सी अज, है ना, उन्होंने अज 3 बजे का टाइम दिता से, अज तक कोई उन्होंने मैसेज नहीं आया कोई भी। चलो कोई साथी साढ़े मीटिंग करने वास्ते दिल्ली चले गए ने, अभी तो इन्हें चलो जो परमात्मा कृपा करे जो उधरों हल हो जाए तो चंगी गल है, हल ही कराने ने ना आपां तां, कोई जरूरी तो नहीं कि मैं जावां तो ही हल होने, ये जान तो ना हो, नहीं हल कराने ने हल, जे अज की मीटिंग जो है तो अभी उन्हों का धन्यवाद करांगे, मुबारक देंगे उन्होंने। अगर जेकर सरकार बुलाऊगी तो ही जावांगे आपां, तो जे वो इत्थे मसला हल कोई करन ना आपां बुलाओ, ना बुला के गलबात ना करन, टॉक टेबल ना करन, तो मंडियां दे विच आवें गड्डियां भजाई, फिर तो विरोध ही होगा ना। हाँ फिर विरोध आ, उंज नहीं विरोध, वो कहन भी ठीक है जी असीं शैलरां च माल भी ला रहे हैं चुका रहे हैं, तो खरीद है जी वो भी सही ढंग नाल कर रहे हैं, गल खत्म, आपे हो जाऊगी, फिर किसी का विरोध नहीं, बल्कि धन्यवाद करांगे असीं, है ना। इस करके वो सरकार कुछ कर नहीं रही। उस तो बाद फिर बिट्टू है जिहड़ा, बिट्टू जथेबंदियां दे खिलाफ बिल्कुल एवें बोली जांदा है अबा तबा, तो उहदा भी किया गया कि जेकर बिट्टू है जिहड़ा कितें निकलदा है किसी पासे नूं भी, तो उहदा भी काले झंडियां दे नाल विरोध किया जाऊगा। ये 3-4 फैसले जिहड़े ने ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਕਿ 1000 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ SKM ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਆ, ਆੜਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 100-100 ਬੰਦਾ ਪਾ ਕੇ 500-600 ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1500-1600 ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਅੱਗੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰੀ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਣਗੇ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਫੇ ਲਾਏ ਨੇ,
उत्थे भी थले बहना पैना है तो जिते रुकणगे फिर असीं आपस च विचार वटांदरा करके फिर उत्थे जाम ला देंगे सड़कां ते। साडा तां काम यही है भी मसला हल करवाउणा है, जिवें मर्जी कर लवे, जे आण देवेगा तां चंगी गल आ। 18 तारीख तों पहला पहला हो जांदा है मसला हल तां फिर वापस बिल्कुल फिर बिल्कुल भी नहीं, फिर सानूं की लोड़ है प्रोटेस्ट करन दी? आपां तां करना जेकर मसले हल नहीं हुंदे, अगर हो जाते हैं तो फिर सानूं कोई जरूरत भी नहीं हैगी, बिल्कुल नहीं लवेंगे। अच्छे तुहाडा भी धन्यवाद करांगे, साडीआं गल पहुँचा दिओ उत्थे जे मुख्यमंत्री कोल, जे कितें छेती मसला हल कर देण ते तुहाडा भी थैंक यू। तो बिल्कुल किसान आगू बूटा सिंह शादीपुर साढ़े नाल सी, जिन्हां दे वल्लों दस्या गया कि 18 तारीख का जिहड़ा एक प्रोग्राम है वह उलीकिया गया, मुख्यमंत्री की रिहायश का घिराओ किया जाएगा, अनमिथे समय के लिए उत्थे धरना दिता जाएगा जेकर मंगा जिहड़ियां ने ओह पूरियां नहीं हुंदियां, क्योंकि किसान जिहड़ा खजल खुआर ना होण, इस दे लई इहनां दे वल्लों भी एक गुहार जिहड़ी लगाई जा रही कि किसानां दी सुनवाई की जाए, जिहड़ा झोना मंडिया दे विच पिया उसनूं चुकाया जाए, वह उहदी खरीद शुरू की जाए। खैर देखना होएगा कि हुण 18 तारीख तो पहला पहला की फैसला हुंदा है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी अज गए हुए ने मीटिंग दे लई, तां की कुछ सिरटा निकलता है वह देखना होएगा। कैमरा परसन संदीप दे नाल शालू मिरोक, चंडीगढ़।